अब देश में क्या हिंदू भी अल्पसंख्यक कहलाएंगे? ये हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है और ये दायर की गई है देवकीनंदन ठाकुर जी की तरफ से, जो कि एक प्रसिद्ध कथावाचक हैं। उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका लगाई गई है और कहा गया है कि इस देश में कई राज्यों के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन इसके बावजूद उसको अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। अल्पसंख्यक इस देश के कानून के तहत अभी तक 5 केवल लोगों को कैटेगरीज है उनको कहा जाता है, जिसमें कि ईसाई है, मुस्लिम है, सिख है, बौद्ध है और पारसी और जैन धर्म है। इन 5 के अलावा किसी को भी अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मिलता है, ना ही उसकी सुविधाएं मिलती हैं। और कई राज्यों में जहां मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा संख्या में है और वहां अन्य भाषी लोग कम हैं, उसके बावजूद भी अल्पसंख्यक का दर्जा, अल्पसंख्यक की जो सारी फैसिलिटीज़ हैं वो मुस्लिम वर्ग को ही मिलेंगी। इसी तरह पंजाब में सिख बहुसंख्यक है, लेकिन उनको वहाँ पर अल्पसंख्यक का दर्जा है और हर प्रकार की छूट मिली हुई है, जबकि वहाँ जो अन्य भाषी लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं। इसी तरीके से कश्मीर के अंदर आप देखेंगे, कश्मीर में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, हिंदू वहाँ केवल नाम मात्र के लिए है, लेकिन हिंदू वहाँ बहुसंख्यक नहीं कहलाता। अल्पसंख्यक सारा प्राप्त है मुस्लिम को और हिंदू है बहुसंख्यक, और इसी को लेकर देवकीनंदन ठाकुर जी ने सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है और सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई करने के लिए आग्रह भी किया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ये जो इस मामले में न्याय करे और ये लागू करे। जिन राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है उन्हें अल्पसंख्यक सिर्फ भाषा के आधार पर तय होना चाहिए, वो इस तरीके से तय होना चाहिए कि राज्य में जो जनसंख्या है उसके आधार पर किस भाषा के बोलने वाले ज़्यादा हैं या कम हैं, और जिनकी संख्या कम है वही अल्पसंख्यक कहलाएं और उन्हें सारी सुविधाएँ मिलें। इसमें आपको बता दूं कि ये कहा गया है कम आबादी होने पर भी अल्पसंख्यकों को दर्जा ना दिया गया, और याचिका में कहा गया है बिना राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या का निर्धारण जो है केवल 5 संविधान को दिया जा रहा है। इसमें आपको बता दें कि ये कहा गया है कम आबादी होने पर भी अल्पसंख्यकों को दर्जा ना दिया गया, और याचिका में कहा गया है बिना राज्य स्तर पर हिंदुओं की संख्या का निर्धारण केवल 5 संविधाएं को दिया जा रहा है, जो मैंने अभी आपको गिनवा दिया है, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, मुस्लिम और ये सब मैंने आपको बताया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 और NCM एजुकेशन एक्ट 2004, इन दोनों कानूनों का हवाला दिया गया है और इसको चुनौती दी गई है इस कानून को, क्योंकि ये जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 है और जो NCM एजुकेशन एक्ट 2004 है, इन दोनों ही एक्टों में यह प्रावधान किया गया है कि 5 अल्पसंख्यक देश में हैं, इनको एडमिशन लेने में अल्पसंख्यक के तौर पर इनको एडमिशन मिले, प्रायोरिटीज मिले, सहूलताएं मिले, और इसी तरीके से जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट 1992 है इसके तहत उन्हें अल्पसंख्यक होने के कारण राज्यों में या पूरे भारतवर्ष में, चाहे वो कश्मीर ही क्यों ना हो, इनको सुविधाएं मिलेंगी, और वो केवल वो 5 वर्ग हैं। तो ये एक तरीके का कह सकते हैं असंतुलन है, डिसबैलेंस है, अन्याय है हमारे देश में, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया है कश्मीर में जाएंगे वहां पर केवल नाम मात्र के लिए हिंदू है इस समय और मुस्लिम बहुसंख्यक है, लेकिन फिर भी अल्पसंख्यक मुसलमानों को कहा जाता है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा अन्याय है, ये इस देश में आज हो रहा है और इसको चुनौती दी गई है देवकीनंदन ठाकुर जी के द्वारा, जो कि धार्मिक मुद्दों पर भी कई बार कथाओं में बोलते हैं, अपने व्यूज रखते हैं, विचार रखते हैं, कई बार आपने उन्हें सुना होगा, लेकिन अब उन्होंने एक सामाजिक मुद्दे को उठाया है, सुप्रीम कोर्ट में याचिका गई है और इसमें उदाहरण देते हुए कहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जैसे कन्नड़ भाषा वाले लोग हैं वो अल्पसंख्यक हैं, लेकिन वहां पे अल्पसंख्यक देखा जाए ईसाइयों को बोला जाए वहां पर, तो ये हास्यास्पद है और ये हो भी रहा है।
तो इसी तरह से आप देखें इस एप्लीकेशन में जो ये चुनौती दी गई है दोनों एक्ट्स को, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते बाद सुनवाई के लिए कहा है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है कि कहीं देश में ऐसा हो रहा है तो ये अन्याय है, इसके सबूत हमारे सामने प्रस्तुत किए जाए, और यदि इस माइनॉरिटी बेस पर केवल 5 ही वर्ग धर्म के लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं और हिंदुओं को जो है वो अल्पसंख्यक है, फिर भी उसे बहुसंख्यक की संज्ञा दी जा रही है, ना ही उसे स्कूल एडमिशन्स में, नौकरियों में कई सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, तो इसके सबूत मांगे गए हैं। और देवकीनंदन जी के जो वकील थे वो सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुए और उनसे जब कहा गया कि सबूत लाइए, तो उन्होंने बोला कि इसके लिए जज साहब हमें समय चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की अखंड पीठ ने उन्हें 15 दिन का समय दिया है, 15 दिन बाद इस पर फिर से सुनवाई होगी और सबूत दिए जाएंगे सुप्रीम कोर्ट को कि किन किन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक होते हुए भी बहुसंख्यक बुलाया जा रहा है, उनको कोई भी इस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। कश्मीर का सबसे बड़ा उदाहरण है, इसी तरह पंजाब का उदाहरण है, आप देखेंगे वहाँ सिख जो हैं बहुसंख्यक है, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं को फिर भी बहुसंख्यक कहा जाता है और उन्हें अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा रहा है। इसी तरह आप केरल में देखेंगे तो वहाँ क्रिश्चियन जो हैं बहुसंख्यक हैं, लेकिन जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एक्ट है 1992 उसके अनुसार क्रिश्चियन को माइनॉरिटी माना गया है, तो केरल में बहुसंख्यक होते हुए भी ईसाई माइनॉरिटी माना जाता है, उनके बच्चों को प्रायोरिटीज दी जाती है, और वहाँ पर जो दूसरा उसके बाद जो सेकंड नंबर पर संख्या आती है वो मुस्लिमों की आती है, लेकिन वो भी अल्पसंख्यक है। उसके बाद तीसरा नंबर हिंदुओं का है, लेकिन वो बहुसंख्यक कहलाता है। तो ये है इस देश में आज हास्यास्पद कानून, और इसीलिए आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट के एक जाने माने वकील है, क्योंकि एक जाने माने वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि उन्होंने इस मामले में पहले से ही PIL डाली हुई है, सुप्रीम कोर्ट में कई बार आग्रह किया है, सरकार को भी लिखा है, सरकार की तरफ से जवाब आ भी चुकी है, लेकिन बात वही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। लेकिन मोदी सरकार आने के बाद सबको उम्मीद थी कि कुछ बदलाव होंगे, सरकार की तरफ से कोई इस पर इशारा भी नहीं किया गया है कि बदलाव क्यों नहीं किया जा रहा है। हालांकि किरण रिजिजू जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने कुछ इशारा किया है एक जगह कि कुछ कानून में बदलाव करने की और सरकार इस मानसून सत्र में जा रही है, लेकिन वो जो कानूनों में परिवर्तन करने जा रही है, जिन कानूनों में वो बदलाव में बहुत कम है, और ये बहुत कम है। जो अश्विनी उपाध्याय है, सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील है, उन्होंने जो PIL डाली है, उन्होंने जो सरकार को पत्र लिखा है, सरकार को चाहिए कि उनको लेकर के, उस मुद्दे को लेकर के, उस कानून विदों को लेकर एक कमेटी का गठन करें और ये तय करें कि जनता के हित में और देश के हित में फैसले लें, ये कौन कौन से कानून हैं जो अंग्रेजों के जमाने के बनाए हुए हैं या उसके बाद में भी बने हैं, और ये भेदभाव है बहुत बड़ा, खास तौर पे हिंदुओं के साथ, हिंदुओं के साथ भेदभाव है और इन्हें बदला जाना बहुत जरूरी है। लेकिन देखने में ये आता है कि क्या तो तुष्टिकरण के कारण, जैसे हमने पहले सरकारें देखी हैं, देश की आजादी के बाद से 70 साल कांग्रेस का शासन रहा, उसको हम ये कहकर हमेशा कोसते हैं कि कांग्रेस तुष्टिकरण के कारण बहुत सारे कानून लेकर आई, या फिर सड़े गले कानून जो अंग्रेजों के जमाने के थे उन्हीं को आगे बढ़ाती गई, तो कांग्रेस ने जो गलती की है उनको दोहराया ना जाए। भारतीय जनता पार्टी उन्हें सुधारने के लिए कितना समय लेगी, 8 साल सत्ता में मोदी को हो चुके हैं, 2024 का चुनाव अगले बार आने ही वाला है, क्या हिंदू केवल अपने देश में हिंदुत्व के नाम पर केवल सरकार को वोट करता रहेगा, उनकी सुविधाओं के लिए क्या सरकार कुछ करेगी कि नहीं करेगी, ये देखना बहुत जरूरी होगा। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। नमस्कार।